ये देखें जी हमारी कढ़ाई जो है बिल्कुल रेडी है। ये अभी हम टेस्ट करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। अगर तो आप मेरी तरह डाइटिंग पे हैं तो इसमें गुड़ ना मिलाएं, लेकिन गुड़ के बगैर भी मज़े का है। और अगर आपने गुड़ थोड़ा सा लेना है तो हम टेस्ट कर लेते हैं वो कैसा है मीठा, और फिर इसको एंजॉय करते हैं। अब दही ऐड कर दिया गया इसमें, तो ये समझे फाइनल स्टेज आ चुकी है। ये जब रेडी हो गया अब इसको कढ़ाई में सर्व किया जा रहा है। ये देखिए तो शानदार, इतनी मजे की मजा आ रहा है देखने में, और खाने में कितना मजा आएगा ये मैं आपको बताने वाला हूँ थोड़ी देर, बस इंतजार कीजिए। क्या बात है, क्या बात है, वाह। देखिए खाने से पहले का जो आखिरी मरहला है, तवे से जब उतरती है तो इनको कोयलों पर ला के रख दिया जाता है कढ़ाई को, ताकि ये मज़ीद जो है मज़ेदार हो जाए और रेडी हो जाए। तो अभी बस ये फाइनल होने जा रही है, ये टिक्के हमारे गर्म हो रहे हैं जो बनाए इन्होंने, और ये कढ़ाई जो हमारी इस वक्त रेडी पड़ी है ज़बरदस्त। अब ये हम कढ़ाई को टेस्ट करते हैं कि कैसी बनी है, और उसके बाद फिर आपको बताते हैं कि क्या टेस्ट आया। अरे ज़बरदस्त, ये इनकी चटनियाँ हैं। ऐसा टेस्ट मैंने कभी नहीं देखा, कमाल, यकीन मानिए मज़ा आ गया ज़बरदस्त। ये सैलड दिया गया हमें साथ में खाने को, ग्रीन सैलड आपको पता है वैसे भी मज़ेदार होता है, ख़ासकर जब आप डाइटिंग पे हो तो ग्रीन चीज़ें खाएं मज़ा आता है। ये है जी इनकी ग्रीन चटनी स्पेशल, इनका दावा है कि हमारी अपनी तैयार करदा चटनी है, ये आप खाएँगे तो बार बार आएँगे। ये तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले मैंने ये स्टार्ट किया, और ये कुछ दोस्तों के मशवरा किया तो उन्होंने इसका नाम चूज़ किया स्वाद सराय, फिर कुछ दोस्तों ने बताया कि अगर इस तरह इसे किया जाए कॉन्सेप्ट, तो ये लिया पंजाब का, पंजाब का, और ये ट्रक आर्ट वगैरह ये सारा कुछ।